जेल में मालिश करवाते मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। जेल में कैद सत्येंद्र जैन की मौज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार होने वाले दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह जेल के अंदर पैरों की मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार सत्येंद्र जैन बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ पढ़ रहे हैं, वहीं एक अज्ञात व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के तेजी से वायरल होने के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जमकर हमलावर हो गई हैं। वीडियो को लेकर बीजेपी की ओर से जमकर कटाक्ष किए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने लिखा, तिहाड़ होटल का दृश्य। जेल डिपार्टमेंट तो पूरी तरह अरविंद केजरीवाल सरकार के पास है, इस करप्शन पर कौन बोलेगा। हाँ, इस्तीफा तो एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम का ही होगा। सत्येंद्र जैन केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे। वहीं इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी बचाव के मोड में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जेल में इलाज ले रहा है, बीजेपी उसे मसाज बता रही है। कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी, और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है, ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। केजरीवाल सरकार ने कहा कि गुजरात और दिल्ली एमसीडी में हार के डर का एहसास हो जाने पर बीजेपी ऐसा कर रही है, इसलिए बीजेपी ऐसी घटिया राजनीति पर उतर आई है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आपने बची है। कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके, कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाप कामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने बीजेपी पर ओछे हथकंडों का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जैन जेल में गिर गए थे। बताते चले कि जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी और यहां तक कि उनकी दो सर्जरी भी हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दिए जाने पर उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी और उस वीडियो में वह फिजियोथेरेपी कराते दिख रहे हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है, उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है
उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसके बाद में उनकी दो सर्जरी वहाँ पे हुई हैं, वहाँ पर उनकी दो सर्जरी की गई हैं, दो ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए, और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि जैन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है और भाजपा उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रही है। बीजेपी एमसीडी और गुजरात चुनाव हारने जा रहे हैं तथा इसीलिए वे इस तरह के ओछे हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में जेल अधीक्षक समेत 4 जेल अधिकारी और कर्मियों को निलंबित किया गया है और 35 से अधिक अधिकारियों का जेल बदला गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।